नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि तीसरे चरण के लॉकडाउन में शायद कुछ छूट है। कोई छूट नहीं है, कोई छूट नहीं है। तीसरे चरण का लॉकडाउन भी वैसे ही है जैसे पहले चरण का लॉकडाउन था। आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं है। केवल ऑरेंज जोन में कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कुछ सरकारी कामकाज के लिए अलाउ किया गया है। विशेष परिस्थिति में कुछ दुकानें खोलने का संबंधित जिला प्रशासन निर्णय ले सकता है। बाकी कोई दुकान नहीं खुलेगा, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेगा, कोई मॉल नहीं खुलेगा, कोई सिनेमा हॉल नहीं खुलेगा, कोई भी नाई की दुकान, सैलून, तंबाकू पान, गुटखा की दुकान कुछ भी नहीं खुलेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे पहले ही की तरह। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझना है। मोटरसाइकिल पर पास लेकर के सिर्फ एक आदमी ही चल सकता है, दो आदमी नहीं। और पास लेकर के गाड़ी में भी बहुत जरूरी काम से कहीं जाना हो तो ड्राइवर के अलावा सिर्फ दो आदमी बैठेंगे, जिससे ज्यादा आदमी बैठ ही नहीं सकता। एक राज्य, एक स्टेट से दूसरे, एक जिले से दूसरे जिले में तो आप जा ही नहीं सकते बिना पास के। बहुत जरूरी होने पर मेडिकल ग्राउंड पर आपको पास इश्यू होगा, लेकिन उसमें भी ख्याल रहे ड्राइवर के अलावा सिर्फ दो आदमी। अब छूट किसको है? सभी प्रकार के मालवाहक वाहन चलेंगे, सामग्री ढोने वाले वाहन चलेंगे और रक्षा सुरक्षा संबंधी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी और आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी जैसे पहले चालू थी। मजदूर भारी संख्या में आ रहे हैं, हमारे भाई बाहर से बहुत परेशानी से आ रहे हैं। बहुत परेशानी, बहुत कष्ट को उन्होंने भोगा है, झेला है, उनकी पीड़ा से हम अवगत हैं। उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि यहां जो व्यवस्था बनी है उसके अनुसार सहयोग करेंगे, सीमा पर आएंगे, उनकी स्क्रीनिंग होगी, उनके खाने पीने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। सम्मान के साथ उनको उनके ब्लॉक में ले जाया जाएगा, वहां क्वारंटाइन सेंटर बना है, वहां वो रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे और जितने समय तक का समय बिताना है उतना बिता करके सुरक्षित अपने घरों को जाएंगे। इसमें पुलिस प्रशासन का, डॉक्टर का, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों का पूरा सहयोग करेंगे। कहीं विवाद नहीं, कहीं झंझट नहीं। हमारे लोग भी बहुत कठिन परिस्थितियों में जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं। आपके प्रति पूरी हमदर्दी है, लेकिन हम आपको बचाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए हम आप पर ये जागृति कर रहे हैं। हमें माफ कर देंगे लेकिन हमारा सहयोग करेंगे। बेटे बेटियां, छात्र छात्राएं देश के कोने कोने से आ रहे हैं, वो भारत के भविष्य हैं, भारत की तकदीर हैं, बिहार के आन बान शान हैं। उन्हें तो बहुत ही मर्यादा का, बहुत ही अनुशासन का पालन करना है। और पुलिस पर हमले भी कहीं कहीं हो जाते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि पुलिस पर, प्रशासन पर और मेडिकल के कर्मचारियों पर कोई भी अगर हमला करता है बहुत ही जघन्य अपराध है। उनके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सैकड़ों लोगों को जेल में भेजा गया है, अब बाद में उनका गुंडा पंजी में भी नाम लिख दिया जाएगा ताकि आगे के लिए उनको बहुत परेशानी हो। और उसी तरह से सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने वाले, सांप्रदायिक दंगा या फसाद की स्थिति पैदा करने वाले, नफरत फैलाने वाले जो पोस्ट करेंगे, सैकड़ों लोगों को हमने जेल भेज दिया। आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, अहमदाबाद में हो, देश के किसी कोने में हो, लेकिन इस तरह का पोस्ट अगर करते हैं मुकदमा होगा, आपको आज नकल पकड़ा जाएगा, गुंडा रजिस्टर में आपका नाम दर्ज होगा, आपका चार्जशीट करेंगे, स्पीडी ट्रायल कराएंगे। सांप्रदायिक सद्भाव को किसी भी हालत में बिहार में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। यह वीरों की धरती है, शांति की धरती है, अहिंसा की धरती है, बलिदानियों की धरती है। ये पीरों, मौलवियों और साधु संतों, ऋषि मुनियों की धरती है। इस धरती की गरिमा को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। और बिहार की जनता को मैं प्रणाम करता हूं कि आपके सहयोग से ही ये लॉकडाउन सफल हुआ है, आपके सहयोग से ही अभी तक बिहार बचा है। बचाएं, आगे वाला समय और खतरे का है, बहुत खतरा सामने है। अगर आप अगले 15-20 दिन तक बिहार को बचा लेंगे तो हम सब बच जाएंगे, बिहार बच जाएगा, ये देश बच जाएगा। आप सबको प्रणाम।